एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु, एक चीज है जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। क्या बात। क्या कहती है कुरान में? मैं विकास त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में स्वामी जी मौजूद हैं और स्वामी नमस्ते जी, अक्सर मैंने सुना है जी। जाकिर नाइक बार बार कहते रहते हैं कि ईमान लाओ, ईमान लाओ, ईमान लाओ ईमान लाओ, जी, ईमान लाओ, पर इतना जोर क्यों देते हैं जाकिर क्यों? नाइक? क्योंकि वो खुद ही नहीं ईमान ला रहे, वो खुद ही अभी ईमान नहीं ला रहे। देखिए, कुरान के मुताबिक ईमान का कॉन्सेप्ट को अल्लाह कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे। एक सूरह है 37 नंबर सूरह, सूरह मतलब चैप्टर, चैप्टर 37 की एक आयत है 39, केवल एक एक ढाई अक्षर की आयत है, और तुम्हें कयामत के दिन, हिसाब के दिन, जब तुम मरोगे, जब जन्नत पहुंचोगे या जहन्नम पहुंचोगे, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों के अलावा अन्य किसी भी बात की सजा नहीं दी जाएगी। बुरे अमाल लिखा हुआ है, तो अमाल थोड़ा इस्लामिक वर्ड, जहाँ इस प्लेटफॉर्म से हिंदू भी समझ रहे हैं इसको, बड़ी खुशी की बात है। हिंदू लोगों को जागरूकता बढ़ रही है कुरान के बारे में, जैसे आपने बताया अभी कुछ देर पहले। तो आप ये देखिए कि एक आयत लिखी हुई है कि तुम्हें तुम्हारे बुरे अमाल, मतलब बुरे कर्म के अलावा किसी चीज की सजा नहीं दी जाएगी। ये अल्लाह कह रहे हैं कुरान में, ठीक है, कुरान में अल्लाह कह रहे हैं। अब आइए ईमान के ऊपर। ईमान की तो अल्लाह वैल्यू नहीं डाल रहे, वो तो कह रहे हैं मुझे हाजत ही नहीं है तुम्हारी पूजा की, मुझे तुम्हारी इबादत की जरूरत ही नहीं है, मैंने जो देना है वो देना है, मैंने जो नहीं देना वो नहीं देना। तो जिस इबादत के लिए अल्लाह 84 बार कह रहे हैं पूरी कुरान में कि तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा दी जाएगी, बराबर दी जाएगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, अल्लाह कहीं ऐसी बात नहीं कह रहे कि अगर तुम मुस्लिम नहीं हुए तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। ये जाकिर नाइक कह रहा है, ये तारिक जमील कह रहा है, ये धरती के मौलाना कह रहे हैं कि हमारा काम है जी इनको सुधारना, जबकि अल्लाह तो कह रहे हैं कि तुम जिस भी धर्म में अपना मौज लो, अपनी पाठ पूजा करो, मुझे पूजो तो पूजो, ना पूजो तो जयराम जी की। अल्लाह ने तो केवल बौद्ध भगवान को, बौद्ध को भी संसार में एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाकर पूरे संसार में 10-20 कंट्रियां उसकी बना दी, जापान को हाईएस्ट टेक्नोलॉजी दे दी, सबसे ज्यादा पैसा दे दिया बौद्ध धर्म वालों को, कि अल्लाह अपनी उस जो हर चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम बहुत दयालु है, अल्लाह ने केवल अपनी उस लाइन को चरितार्थ यानी सर्टिफाइड यानी उसको स्टाम्प करने के लिए अल्लाह ने गौतम बुद्ध को भी एक संसार के अंदर एक डिग्री दे दी कि देखो जो मुझे जान ही नहीं रहा, जो मुझे पूछ ही नहीं रहा, जिसकी बेस लाइन है ईश्वर कुछ नहीं है, जो है दुनिया है, तो उसको भी मैंने राजा बना दिया। तो ईमान की कोई वैल्यू नहीं अल्लाह की नजरों में, ये मुल्लाओं ने ईमान की वैल्यू जाकिर नायक जैसों ने बना रखी है। स्वामी जी, कुरान में ये जिन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जिन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इस्लाम वालों को भी इस प्लेटफॉर्म से एक नई बात पता चलेगी कि जिन अल्लाह किनको बुला रहे हैं। ये जो हाईली लर्नड मुल्ला है ना, जो दाढ़ी वाले जो मौलाना हैं, कारी, बुजुर्ग, मौलाना, मौलवी, जो दाढ़ी रखकर या बिना दाढ़ी रखे जो टीचिंग के काम कर रहे हैं, जो प्रीचिंग का काम कर रहे हैं, जो समाज को, संसार को कुरान की राह दिखा रहे हैं, अल्लाह इन्हें जिन बुला रहे हैं। जब ये, इनके लिए तो बड़ी हैरानी होगी कि ये आदमी ये क्या बात बोल रहा है, किंतु ये बात बिल्कुल सत्य निकलेगी जब वो मैथमेटिक्स देखेंगे कुरान की, तो इनकी कई आयतें सॉल्व हो जाएंगी। फिर अल्लाह ने आज जिन्नों का एक रुख, एक आपके मोहम्मद जो कुरान पढ़ रहे थे उसकी तरफ मोड़ दिया। ये आपको एक आयत बताई जा रही है, वर्ड टू वर्ड तो नहीं है, उसका सार बताया जा रहा है। जब उन जिन्नों ने वो कुरान सुनी तो उन्होंने अपने बिरादरी में जाकर कहा कि आज हमने बड़ा एक अजीब कुरान सुना। फिर उन्होंने कहा हम उस कुरान पर ईमान लाए और हम सब अब इसी कुरान के मुताबिक चलेंगे और हम अल्लाह के अब ताबे दरबार और फरमानबरदार बनकर रहेंगे। तो देखिए, जब इस आयत को डिकोड किया जाएगा तो ये जो प्लेटफॉर्म से बातें बताई जा रही हैं, जो कुरान की बातों को बताया जा रहा है, जब ये मौलाना सुनेंगे जो टिपिकल इनके धर्म गुरु हैं, जिनको आलिम बुलाया जाता है, जिनको बुजुर्ग बुलाया जाता है, जिनको कारी बुलाया जाता है, जिनको मौलाना बताया जाता है, जिनको
प्रोफेसर्स फिलोसफर्स हैं जो कुरानिस्ट जिनको कहते हैं, जब उन्हें इन बातों को सुनेंगे तो उनकी आयतें भी डिकोड होती चली जाएंगी। अब ये आयत देखिए, कोई जिन कहां पर है, वो जिन किसी ने आज तक नहीं देखे। फरिश्तों का अल्लाह कह रहे हैं फरिश्तों का एग्जिस्टेंस है, अल्लाह कह रहे हैं मेरी एग्जिस्टेंस है, अल्लाह कह रहे हैं तुम लोग हो, अल्लाह कह रहे हैं जिब्रील है, मिकाइल है, मगर जिन कहां पर हैं, जिन्नों का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। जिन जब ये आयतें जब समझेंगे मौलाना, दाढ़ी वाले मौलाना जब इस प्लेटफॉर्म की बातों को समझेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हम ही वो जिन हैं जो इस कुरान को जब सुन रहे हैं तो इन्हें बड़ी अजीब लगेगी, और ये जाकर अपनी कौम को जाकर बताएंगे, अपने शिष्यों को बताएंगे, अपने समाज में बताएंगे, अपने नेटवर्क पे बताएंगे कि भाई कुरान का तो वो आए बिल्कुल अजीब कुरान, इसीलिए लिखा हुआ है हमने एक अजीब कुरान सुनी। अजीब क्यों लगी? जब उन्हें कुरान कुरानी मालूम है जिन्नों को, तो वो कौन सी कुरान उन्हें अजीब लगी, और फिर फट से वो उस ईमान उस कुरान पे ईमान ले आए। क्यों? क्योंकि उसकी रीजनिंग पता चलेगी, रीजनिंग सामने। देखिए सब रोटी खाते हैं, सबको अकल है, जब लॉजिकल बातें ही वायरल होती हैं, अगर ये आपकी वीडियो वायरल हो रही है, लोग देख रहे हैं, तो सब दिमाग रखते हैं, ये सीबीआई भी सुन सकती है, इसको पाकिस्तान के मौलाना सुन सकते हैं, मक्का के इमाम सुन सकते हैं, क्रिश्चियनिटी सुन सकती है, हर आदमी में अकल रखता है, हर आदमी छोटे से छोटे आदमी को जब लॉजिकल बात नहीं नजर आएगी, वो धड़ाक क्लिप को बंद कर देगा, वो आगे सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां जो बातें बताई जा रही है उनकी रीजनिंग है, उनकी लॉजिक है, लॉजिक है तो लोगों को समझ आ रही है, लोगों के सवाल आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो जब ये मौलाना इन बातों को समझेंगे कि कुरान का ये मतलब बता रहा है एक आदमी, तब उन्हें उनकी वो आयत भी खुल जाएगी जो आज तक रहस्य बनी हुई है। इस तरह से जिन्नों की लगभग 22-23 आयतें हैं जगह जगह, जिसमें अल्लाह जिन इन्हीं को, अब जिन क्या होता है, जिन बड़ा पावरफुल होता है, जिनके पास पैसा, ढेली, शराब, कबाब, शराब तो खैर इस्लाम में, जिन हर चीज हैसियत से अपनी प्राप्त कर लेते हैं अपने, जिन अल्लाह का एक विशेष कमांडिंग ऑफिसर होता है जिसको, तो यहां देखिए जो मौलाना है, इनके पास समाज भी है, भीड़ भी है, पैसा भी है, मजे भी है, मौज भी है, रूल भी कर रहे हैं, राज भी कर रहे हैं, अल्लाह के विशेष बंदे हैं ये, मगर क्यों? क्योंकि भटके हुए, इन्हें पुरानी कुरानी समझ आई हुई है। तो जब इस प्लेटफॉर्म से बातें पता चलेंगी तो वो आयत खुल जाएगी, आज हमने एक अजीब कुरान सुनी और हम उस पर ईमान ले आए। क्यों? अजीब मतलब उसकी रीजनिंग, उसकी लॉजिकिंग लॉजिक लॉजिक समझ आएंगे उसके। ये है स्वामी जी, रसूल का इस्लाम ने पेटेंट करा रखा है क्या, सारे काम इन्हीं के जिम्मे? देखिए रसूल का आपको पहले भी बताया गया कि रसूल भगवान जहां मर्जी भेजेंगे, उनका कोई पेटेंट नहीं है। ये मोहम्मद साहब से यहूदी कहते थे कि भाई ये तो हमारे अंदर आएगा, तो मोहम्मद साहब इसी बात को लपेटकर उनको तब रसगुल्ला देते थे कि भाई ये तुम्हारा कोई पेटेंट है कि तुम्हारे आएगा, अल्लाह की मर्जी जहां मर्जी। अब देखिए एक आयत आती है कि उसमें कहते हैं कि फिर हमने रसूल को उसकी अपनी बोली में किताब नाजिल की ताकि वो बात को खुल के समझा सके। अब देखिए अगर खाली इस्लाम की बात हो तो खाली अरबी में रसूल आ जाए, उसको भी अल्लाह एक जगह कह रहे हैं कि भाई अरबी रसूल और अजमी किताब, या अजमी किताब और अरबी रसूल, इसका मतलब अल्लाह कन्फर्म है कि ना तो मैं सेम कौम के अंदर रसूल भेजूंगा, और ना, क्योंकि अगर मान लीजिए इस्लाम वाला ही कोई अल्लाह से मिलाता है, जैसे ये इस बार 6 अक्टूबर 2016 को ब्राह्मण एक दिल भारत का एक ब्राह्मण अल्लाह से मिला है, 40-45 सेकंड में मेराज यात्रा उसके साथ घटित हो गई, सारा ब्रह्मांड के डाटा उसको दिए गए, ये वो मेराज यात्रा जो जिसे ब्रह्मांड का घूमना कहते हैं, छोटी सी यात्रा होती है 40-50 सेकंड में, अरबों खरबों जन्मों का डाटा उसको दे दिया जाता है एक सेकंड, क्योंकि भगवान स्वयं देते हैं। तो देखिए उसमें आता है कि रसूल को हमने उसकी बोली में किताब नाजिल की, इसका मतलब ये कोई पेटेंट नहीं है, इस्लाम में आएगा। फिर एक आयत आती है, क्या मोहम्मद तुम में से किसी के, तुम में से कोई मोहम्मद का बेटा नहीं है, कोई बाप नहीं है तुम से मोहम्मद का, इसका मतलब इस्लाम में नहीं है। फिर एक जगह आयत आती है कि तुम क्या जानो, ए नबी तुम क्या जानो क्या थी किताब, क्या था ईमान, बताइए रसूल को ये बात अल्लाह कह रहे हैं कि तुम क्या जानो क्या थी किताब क्या था ईमान, तो ईमान तो 5 साल के बच्चे को इस्लाम में बता देते हैं कि ये किताब है ये ईमान है, इसका मतलब ये भी एक सबूत है कि इस्लाम के अंदर रसूल नहीं आएगा। और जब तक रही बात, जहां तक रही बात कि सारे काम ये करेगा, तो नहीं, कुरान में 43 जगह ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि आपका काम केवल संदेश पहुंचा देना है, बाकी जो जाकिर नायक कर रहा है गलत कर रहा है, जो तारिक जमील कर रहा है गलत कर रहा है, जो भी धरती के मौलाना इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करा रहे हैं लोगों को, वो अभी इस प्लेटफॉर्म पे भी तो केवल कुरान की बातें बताई जा रही है,
हमारे ही सर्कल में कम से कम 50 हिंदू दोस्तों ने कहा कि कुरान हम भी पढ़ना चाह रहे हैं, आप थोड़ा हमारे को इसकी तालीम दीजिए, आप हमें बताइए कैसे आसानी से कैसे पढ़ी जाएगी। तो उसमें तरीका यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि मैं अल्लाह से मिलाया, देखिए कुरान कैसे डिकोड होगी, सबसे पहले तो आप ये सोचिए मैं अल्लाह से मिलाया। अब आप ये सोचिए कि जो जन्नत के अंदर लास्ट का दावा लगा रखा है मोहम्मद साहब का, वो दावा गलत था, मैं अल्लाह से मिलाया, मैं जन्नत घूमाया, अल्लाह किसी ने संसार को धोखा दिया है इस्लाम के बारे में, भगवान अल्लाह के बारे में, आप और मैं वो व्यक्ति हूं जो अल्लाह से मिलकर आया और मुझे अल्लाह निर्देश दे रहे हैं और मैं इस्लाम से नहीं हूं, तब आप कुरान पढ़िए, आपको कुरान सारी समझ आ जाएगी। तो रसूल का काम केवल संदेश देना, इसके अलावा जो भी रसूल कर रहा है, जाकिर नायक कर रहा है, वो सब गलत कर रहे हैं। स्वामी जी, कुरान कहती है कि प्याज और सूद जी पक्का हराम, पक्का हराम। तो इसके बारे में थोड़ा सा सुनना चाहिए। देखिए यहां भी संसार को बड़ी नई बात पता चलेगी, खास तौर से संसार में इस्लाम को जोड़ते जाओ, क्योंकि कुरान का बिल्कुल नया वर्जन संसार के सामने आएगा। तो ये ब्याज और सूद जो हराम है, ये इस्लाम मान रहा है इसे पैसों में, अच्छा, जबकि ये पैसों की बात ही नहीं है, ये सूरह बकरा में ही आता है, गौ माता जो चैप्टर है उसी में 275, 76, 77, 78, 79 करके 6-7 आयते हैं जो ब्याज और सूद को हराम बता रही हैं। तो देखिए ब्याज और सूद किसको अल्लाह बता रहे हैं, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद को ब्याज बता रहे हैं, इब्राहिम को सूद बता रहे हैं, मूसा को ब्याज बता रहे हैं, ये इन सब को अल्लाह कह रहे हैं कि ये हराम है। देखिए कितनी बड़ी बात निकल कर आ रही है, अगर ये ब्याज और सूद हराम होता तो ये 275 से आयत शुरू होती है और 277 में अचानक बोलते हैं अल्लाह कि नेक काम करते रहोगे, ईमान में रहोगे, अच्छे रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे अगली आयत फिर आ जाती है कि जो ब्याज सूद अब तक ले चुके हो वो तो चलेगा, आगे के लिए छोड़ दो। तो जब आप इसको बड़ी माइन्यूटली इसको डिकोड करेंगे बैठकर, संसार के बड़े बड़े बुजुर्ग आलिम कारी और बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े वकील, कॉर्पोरेट वकील, जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की अदालतें जब इन आयतों की 5-6 आयतों की तफसील निकालेंगे तो इन्हें पता चलेगा अल्लाह कह रहे हैं खाली मूल में, इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद, अली, हुसैन, इब्राहिम, मूसा, याकूब, यूसुफ, यूनुस, साले, जितने भी नबियों को अल्लाह बता रहे हैं ब्याज और सूद है, ये हराम है, खाली मूल पे अड़े रहो। वो बात अलग है कि ब्याज और सूद को बेबरकत बना देते हैं, अल्लाह कह रहे हैं इसके साथ 5% आप डाल दीजिए कि ब्याज और सूद वाकई गलत है, ब्याज और सूद खाने वालों का जीवन खराब हो जाता है, ब्याज और सूद को अल्लाह मना कर रहे हैं, मगर इसका 95% पिन पॉइंट केवल अल्लाह अपने आप को प्रिंसिपल मान रहे हैं। इसके अलावा जितने भी नबी रसूल और जितने भी ये दावेदार है, मसीहा, फिशिया, पैगंबर, प्रॉफिट, अवतार, इनको अल्लाह कह रहे हैं इनसे बचो, एक मेरी तरफ रहो, मैं मूल हूं, ये सब ब्याज है। स्वामी जी जी, कुरान में भगवान की कुर्सी का जिक्र, जब इस्लाम अपने भगवान की बनावट और उसके शेप के बारे में ही कंफर्म नहीं है, तो ये भगवान की कुर्सी का जिक्र कहां से है? अब देखिए कुरान जो कहेगी तो आप मानना, अगर मान लीजिए आप इस्लाम वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, तो कुरान को आप मानोगे नहीं मानोगे? मैं इस्लाम भी मानता हूँ, मैं सनातन धर्म भी मानता हूँ, ठीक है, आप जो है बाइबल और क्रिस्ट की बात करते हो मैं उसको भी मानता हूँ, सम्मान सबको देना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक भगवान, अल्लाह और इस्लाम, उन चीजों के ऊपर वो हमेशा डिस्कस करते हैं कि मूर्ति पूजा हम नहीं करते जी, और यहाँ पे भगवान की कुर्सी का जिक्र भी जी, वो समझना चाह रहा हूँ। देखिए वो तो मूर्ति पूजा तो कुरान में है, देखिए इस्लाम कुरान को समझ नहीं पा रहा, ये बार बार बताई जा रही है, कुरान इस बार समझ आएगी जब वो आदमी बातें बताएगा, तो कुरान ये बातें ऐसी थोड़ी है छुप जाएंगी, ये तो कोई भी ग्रुप इसके ऊपर बैठेगा, मंथन होगा, PNI चैनल को पकड़ सकते हैं, दावा डल सकता है, कोर्ट केस डल सकता है, आपके ऊपर कार्रवाइयां हो सकती हैं, तो वो व्यक्ति सामने आएगा, वो बताएगा कैसे कैसे है, जैसे हर बात वो बता रहा है। तो देखिए अगर आप इस्लाम वाले हैं, सपोज कीजिए अगर आप इस्लाम वाले हैं तो कुरान की बात मानेंगे नहीं मानेंगे? तो कुरान में कुर्सी का जिक्र है, अब कुर्सी पे तो कोई बैठता है, तो जो अर्श है जहां पर वो व्यक्ति घूम, जब 6 अक्टूबर 2016 की रात पे व्यक्ति घूम कर आया, तो वो अर्श एक सेंटर में है जिसको हम कहते हैं बैकुंठ, सनातन धर्म में भगवान का वास बैकुंठ, अंग्रेज कहते हैं थ्रोन, सिंहासन, भगवान का सिंहासन, ये कहते हैं सिदरतुल मुंतहा और अर्श, ये लोग अपना लैंग्वेज में बुला रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब भी कहता है अकाल पुरख एक आसमानों में एक रहता है, अपनी उसका घर है, उसकी जगह है। तो देखिए कुरान में जो कुर्सी का जिक्र है वो उसी अर्श का जिक्र है जहां पर अल्लाह अपनी बॉडी में बैठे हुए हैं, विराजमान है, बैठे लेटे वर्ड गलत होगा, विराजमान सही शब्द है, विराजमान, जो शंकर हमारी समाधि में बैठे हुए हैं, जो अल्लाह अपने बैठे हुए हैं। तो कुर्सी का
का जिक्र जब आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई कुर्सी के ऊपर विराजमान भी है। तो इसीलिए इस्लाम को अपने आप को रिफाइंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे कि अल्लाह अपनी बॉडी में है। पिछले नबियों ने कुछ ऐसा हो गया कि गफलत डल गई और वो नबियों की वजह से अल्लाह की बॉडी का कोई सबूत इस्लाम के पास है नहीं। बाइबल बार बार कहती है कि मैंने अपने स्वरूप से तुझे बनाया, इंसान को गॉड कहते हैं, तो वहां पर वो बात सही है। बाइबल भी कहती है कि मेरी कुर्सी है, गॉड कहते हैं मेरी कुर्सी है। अल्लाह भी कुरान में कहते हैं कि एक कुर्सी है, तो कुर्सी है इसका मतलब कोई व्यक्ति है, व्यक्ति है तो वो बैठा है। तो कुर्सी का जिक्र अपने आप में अल्लाह की बॉडी को सर्टिफाइड करती है और कुर्सी एक आयत है कि अल्लाह की कुर्सी है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाकई में कुरान के अंदर जितना समाता जा रहा हूँ बड़ा मजा आ रहा है। और मैं ये भी चाहूंगा कि हमारी जनता हमारी इस मेहनत का फल हमें दे और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। हम यूं ही स्वामी जी को बुलाते रहेंगे और इनसे चर्चा करते रहेंगे कि क्या कहती है कुरान। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद।